प्रदेश सरकार में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं, केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई जिसके अंदर फार्मर की एमएसपी पे खरीद आज हम करते हैं गेहूं जीरी की, वो उसी तरीके से चालू रहेगी, उसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं। मगर एक चीज जरूर मैं बोलता हूँ कि जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम। दूसरी चीज, एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा और इस सोच के साथ कि 3 अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज्यादा होगी और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। इसके अंदर तो जो आज बारी बारी गवर्नमेंट सरसों की खरीद के अंदर प्राइवेट बायर्स के भी पीछे जाती थी, नरमे की खरीद को प्राइवेट बायर करता था, उनको मॉनिटर करती थी, उन लोगों को रिलैक्सेशन दी है कि उनको मार्केट फीस देने का काम नहीं करेगा अगर वो मंडी एरिया से बाहर खरीदते और बेचते। और फार्मर के लिए तो उसके MSP पूरा श्योर